हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1930, 1931 और 1932 में लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। इन गोलमेज सम्मेलनों में किए गए विचारों के आधार पर 1933 में भावी सुधार योजना के संबंध में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। और दोस्तों, इस श्वेत पत्र में प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का सुझाव दिया गया था। दोस्तों, श्वेत पत्र के सुझावों को स्वीकार करते हुए ही ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम का निर्माण किया गया। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसकी पहली विशेषता थी अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि 1935 के अधिनियम द्वारा यह निर्णय किया गया कि केंद्र में ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ स्थापित किया जाए। दोस्तों, आपको याद रखना है कि अधिनियम के अनुसार प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन देसी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। दोस्तों, संघ की स्थापना की पूर्व शर्त ये थी कि कम से कम समस्त देसी रियासतों की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली देसी रियासतें तो संघ में शामिल होनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, देसी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और इस प्रकार प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर भी नहीं आया। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था, लेकिन यह संघीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। दूसरा है प्रांतीय स्वायत्तता। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से शासन करने का अधिकार दिया गया। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रांतों का जो संपूर्ण शासन है वो लोकप्रिय मंत्रियों के नियंत्रण में कर दिया गया और गवर्नर से आशा की गई कि उसके द्वारा मंत्रियों की सलाह के आधार पर प्रशासन का संचालन किया जाए। अगली जो दोस्तों विशेषता है वो है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में तो द्वैत शासन का अंत कर दिया गया, लेकिन केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन अर्थात द्वैत शासन की शुरुआत की गई और केंद्रीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अगली जो विशेषता है दोस्तों वो है विधान मंडलों और मताधिकार का विस्तार। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 260 निर्धारित की गई। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थापित किए गए। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार का भी विस्तार किया गया और प्रांतों के लिए 10% से कुछ अधिक जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। अगली जो इसकी विशेषता है वो है शक्ति विभाजन। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा तीन सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। दोस्तों, ये एक विशेष प्रावधान था जो आपको ध्यान रखना है कि 1935 का जो अधिनियम था उस अधिनियम के द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच तीन सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया। एक थी संघीय सूची, एक थी राज्य सूची या प्रांतीय सूची और एक थी संवर्ती सूची। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि संघीय सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और संवर्ती सूची में दोस्तों
36 विषय थे। और दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि अवशिष्ट जो विषय थे या अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी वो वायसराय को दी गई। अगली जो विशेषता है वो है संघीय न्यायालय। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाए। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसी प्रावधान के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अगली जो विशेषता है वह है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि अगर 1935 के अधिनियम में कोई संशोधन करना है तो संशोधन करने का अधिकार ब्रिटिश संसद को प्राप्त था। अगली जो विशेषता है वह है प्रस्तावना का अभाव। दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 1935 के अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी। ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों ने जब इस आधार पर इस अधिनियम की आलोचना की तो ब्रिटिश सरकार ने 1919 के भारतीय शासन की अधिनियम की प्रस्तावना को ही इसमें जोड़ने का निश्चय किया। अगली जो विशेषता है वह भारत परिषद का अंत। दोस्तों जैसे कि पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत नहीं किया गया लेकिन भारत परिषद में परिवर्तन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया और भारत मंत्री के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए जिनसे परामर्श लेना अथवा न लेना उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। लेकिन दोस्तों सेवाओं के संबंध में भारत मंत्री के लिए इन परामर्शदाताओं का परामर्श मानना आवश्यक था। अगली विशेषता जो है वो दोस्तों बर्मा, बरार और अदन। आपको मित्रों ध्यान में रखना है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया और अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि बरार जो है उस बरार के ऊपर निजाम हैदराबाद की नाममात्र की सत्ता स्वीकार कर ली गई परंतु उसको शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को क्या कर दिया, भारत से अलग कर दिया गया और अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया जबकि बरार के ऊपर निजाम हैदराबाद की नाममात्र की सत्ता स्वीकार कर ली गई परंतु उसको शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। दोस्तों 1935 के अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। दोस्तों इसमें न केवल संघीय लोक सेवा की स्थापना की गई बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा की स्थापना भी की गई। तो दोस्तों ये थी 1935 के अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार, शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायालय, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, प्रस्तावना का अभाव, भारत परिषद का अंत, बर्मा, बरार और अदन और संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।